खबर मात्र नो सर, जावर का दो बार फोन आया था। पता चला कहां से फोन कर रहा था वो? नो सर, वो हर बार किसी की लाइन चुरा कर बात करता है। जवान, मैंने जज साहब को ले जाने के लिए जीप तैयार रखी है और उन्हें कोर्ट तक पहुंचाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया मैंने। गुड, यू गाइस स्टे अलर्ट, कम ऑन लेट्स गो। सर, मॉर्निंग सर, जज साहब रेडी है? आते होंगे सर। गुड मॉर्निंग ऑफिसर चौहान। गुड मॉर्निंग जज साहब। इज एवरीथिंग ऑलराइट सर? शुड वी लीव? ओके, प्लीज। यह आखिरी चेतावनी है जज साहब, अभी भी वक्त है, भाई जी को सजा सुनाने का इरादा बदल दो। देखिए सुनिए, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और सुनो, एसपीओ डिपार्टमेंट के ऑफिसर सागर चौहान के भरोसे मत रहना, वरना अपना बहुत भारी नुकसान कर बैठेंगे आप। समझे चौहान? मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है? जानना चाहता है कि मैं कहां से बोल रहा हूँ? कोशिश बेकार है चौहान, वैसे आज तेरी जिंदगी का भी आखिरी दिन है। तो जज साहब, घर से निकलने से पहले अपने घर वालों को गले जरूर लगा लेना। कुछ पता चला? नो सर। सर, वो फिर किसी दूसरे नंबर से फोन कर रहा है। I don't believe this। नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरा और सनी का क्या होगा? तुम खामखा परेशान हो रही हो सुशीला, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर ये मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हमें भी इनकी जान की चिंता है, पूरी पुलिस फोर्स इनके साथ है। अपने आप को संभालो सुशीला, मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। बाय डैडी। बाय सन। सर, शुड वी लीव? गुड लक ऑफिसर। थैंक यू बेटे। आइए जज साहब। थैंक यू ऑफिसर। चवन जज साहब, तुम्हें ले जाओ। तुम यही रुकोगे, घर की सिक्योरिटी संभालो। लेकिन मैंने सब, मैं जज साहब को कोर्ट ले जाऊंगा। इट्स एन ऑर्डर, गो। Move it, please. 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 Move
दो। रास्ता दो। वेट प्लीज। हटिए। सारे सबूतों से ये साबित होता है कि धनराज ठाकुर एक पेशेवर मुजरिम है जो रुपए लेकर लोगों का खून करता है। समाज सेवा और धर्म की आड़ में धनराज ने कई डकैती, लूटमार और जालसाजी जैसे अपराध भी किए हैं। 27 केस इस वक्त उस पर चल रहे हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पेश की गई फोरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित होता है 4 फरवरी को धनराज ने गुलशन मोदी और नारायण प्रसाद को अगवा किया और समाज सेवा के बहाने उन दोनों से बहुत बड़ी रकम मांगी हुई। इंतजाम उसी रात अपन के रैली से स्कूल कर लिहाजा यह अदालत नारायण खान और इंडियन पीनल कोड के दफा 302 और 307 के तहत यह अदालत ऑफिसर सागर चौहान एक बात याद रखना हम खून को खून से धोते हैं। अबे थकेले तुम भी एक बात अच्छी तरह समझ लो तुम सिर्फ मेरे दुश्मन हो सकते हो मेरे खुदा नहीं। टेक हिम। चलो चलो लाश को ले जाने का इंतजाम करो क्विक। सर चौहान हूज बैड लोबो ओ लोबो अरे लोबो नाचना बंद कर चाय लाता है या नहीं अबे थकेले जल्दी ले आ यार चाय अबे थकेले अड्डी पसली टूट जाएगी आ जा आ जाओ गरम चाय हाजिर है मालिक की जय हो अरे मजाक बंद कर अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ इस भैये को सबक सिखा रहा हूँ जा दरवाजा खोल जा जा ना दरवाजा खोल क्या घूर रहा है नमस्ते नमस्ते सागर साहब है हाँ सागर अरे श्रीवास्तव साहब नमस्ते नमस्ते सागर भैया नमस्ते बच्चों हाय नमस्ते सागर ओछे 3 हफ्तों से आप स्कूल में नहीं आए तो सारे बच्चे परेशान थे आपको देखे बिना इन्हें चैन नहीं मिलता है बाकी लोगों को मैंने मना लिया लेकिन ये 3 मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे यानी जी मैंने बनाया शुक्रिया बेटे अगले महीने हमारा स्पोर्ट्स से आप जरूर आइएगा बेटे बुलाओ तू आओ तू अच्छा आप आए वो बच्चों का चेक देना था किताबों का एक मिनट लोबो अब चलो बच्चो सागर भैया आया किताबों के लिए थैंक यू सागर साहब चल अब तू भी चलता बन जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ पहले अपने यहाँ से कुछ काम की बात तो कर लूँ अरे बिना काम के ये मिलता ही नहीं बड़ी औरतों वाली आदत है इसकी चल गोपाल क्या बात है सागर भैया हाँ। आपने प्रताप राय का नाम तो सुना होगा ना पिछले 5 सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ वो आपसे मिलना चाहते काम क्या वो तो मुझे पता नहीं वो आपसे पर्सनली मिलकर बताना चाहते हैं 10 बज रहे हैं नहीं हम लोग लेट नहीं हुए अब टाइम पर है नो प्रॉब्लम आइए सागर भैया या ओके बाय थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर पांडे नमस्कार नमस्कार राय साहब से कहना कि हम ऑफिसर सागर साहब को लेकर आए हैं आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा अंदर एक अर्जेंट फाइनेंशियल मीटिंग चल रही है तुमने उन्हें बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं नहीं सागर भैया ये वक्त उन्होंने ही मुकरर किया था कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है वहाँ अकाउंट्स ऑफिस के पास ठहरिए सर प्लीज मिस्टर पांडे नहीं रोके प्लीज रोके सर जेंटलमैन एमजी का ये 9000 करोड़ का रिफाइनरी प्रोजेक्ट यकीनन 40 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा 7 साल पुरानी एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये नया प्रोजेक्ट मिस्टर प्रताप राय प्लीज
Yes, मेरा नाम प्रताप राय है। मिस्टर प्रताप राय, आपने 10 बजे का टाइम दिया था। आपको बुलाकर बिठाने का शौक होगा, लेकिन मुझे बैठने का कोई शौक नहीं है। सागर चौहान नाम है मेरा। ऑफिसर, आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर पांडे, इनको मेरे चैम्बर में ले जाओ। यस सर। थैंक यू, आई एम सॉरी जेंटलमैन। आइए आइए। जेंटलमैन, ये मिस्टर सागर का वक्त था, मुझसे गलती हो गई। कैन वी हैव द मीटिंग सम टाइम अराउंड 4 o'clock दिस आफ्टरनून? श्योर, व्हाई नॉट, नो प्रॉब्लम। आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। नॉट एट ऑल। वाओ, आपके हाथ की पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी भी कुछ कम नहीं है मिस्टर राय, और आपकी उम्र और काम देकर ऐसा लगता नहीं कि आपके हाथ इतने सख्त हो सकते हैं। बस ऐसे ही, बचपन से कुछ गेम्स खेल लेता हूँ और साथ में थोड़ी बहुत कसरत भी कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना, जिस्म तंदुरुस्त रहे तो दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। राय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, विल यू हैव समथिंग ड्रिंक? नो सर, थैंक यू, काम की बात करते हैं। आइए बैठिए। सर, मिस्टर राय, गोपाल बता रहा था कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। जी हाँ, मदद की ज़रूरत तो है, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि हमारी ये MG कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हम लोग सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में डील करते हैं। सॉरी मिस्टर राय, लेकिन मुझे दूसरे भी काम है। आई अंडरस्टैंड। ये 123 वाला ऑफिसर है सेठ जी, आप सिर्फ इसे मामला समझा दीजिए, इतिहास और भूगोल ये खुद ब खुद निकाल लेगा। अच्छा। हाँ अश्विन। यस सर। तुम बाहर चली जाओ और अंदर नहीं आना, और किसी को आने भी नहीं देना, टेलीफोन्स भी नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। ऑफिसर, बात बहुत पर्सनल है, निजी है। हम जो भी बात यहाँ करेंगे वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी इज्जत को दाग लग सकता है। लेकिन आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? वो कुछ दिनों के लिए आपको मेरी बीवी मीनल पर नजर रखनी होगी। बीवी पर? आपको उस पर शक है? नहीं नहीं, बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल जब से मेरे ससुर मिस्टर मेहता का देहांत हुआ है, मेरी बीवी को बहुत सदमा पहुंचा है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती, तब से वो ऐसे ही घर में बंद है, और हम कब तक उसे कैदी बनाकर रख सकते हैं? इसीलिए मैं चाहता था कि आप उसकी देखरेख करें। मिस्टर राम, मेरे ख्याल से आपको किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत है, मेरी नहीं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बल्कि एक नर्स 24 घंटे उसके साथ रहती है, और डॉक्टरों का कहना भी यही है कि अगर वो बाहर कहीं घूमने फिरने लगे तो शायद उसकी तबीयत में तब्दीली आ जाए। आई एम सॉरी, मैं प्राइवेट केसेस नहीं लेता, ये काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज ऑफिसर, हाँ कह दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। गोपाल, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे कहो ना कुछ। सागर भैया, तुम एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मिस्टर राय, 20 साल की दोस्ती है हमारी, आज तक गोपाल ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ मांग रहा, वो भी दूसरों के लिए। आई थिंक आई हैव टू डू इट दोस्ती के लिए। थैंक यू ऑफिसर। सर, आप मुझे मिस्टर राय से कब मिलवाएंगे? आपको उन पर दूर से नजर रखनी होगी, जब कभी भी वो घर से बाहर निकलेंगी हम आपको इत्तला कर देंगे। हाँ, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वो ये रही उनकी तस्वीर।
वन वे, आप गाड़ी रोके प्लीज, गाड़ी रोके प्लीज, गाड़ी रोके प्लीज। ये क्या कर रही थी आप, गाड़ी क्यों नहीं रोकी आपने? आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अरे ऑफिसर तुम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आपकी बीवी के बारे में, मैं उसकी और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चलो अकेले में चलकर बात कर लेते हैं। चलिए। थैंक यू जेम्स। ओके। इस राय मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बीवी पागल है। पागल जानते हो आज उसने क्या किया? नो एंट्री में गाड़ी चला दी, खुद तो मर जाती साथ में मुझे भी मार देती, मेरी अच्छी खासी मोटरसाइकिल भी बर्बाद हो गई। दिस केस इज क्लोज्ड। लगता है उसे फिर से दौरा पड़ गया। उसकी माँ को भी यही तकलीफ थी, उसने भी आत्महत्या की थी। और वो मोटरबाइक की फिक्र मत करना, जैसी थी वैसी बनवा दूँगा। मिस्टर, आपकी बीवी की कोई मदद नहीं कर सकता, वो खुद की जान की दुश्मन है। तुम्हारे सिवा और कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझ पर भरोसा क्यों? इसलिए कि सही आदमी पहचानना मेरी खासियत है, और मेरा तजुर्बा कहता है तुम्हारे सिवा इस काम को और कोई संभाल ही नहीं सकता। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज। सागर भैया, सर ये केस चौहान साहब का है, कम से कम उनके आने का इंतजार तो कर लेते। धनराज ठाकुर को तो वो खुद यहां से जेल ट्रांसफर करना चाहते थे। दैट्स राइट। मात्रे तुम लोग ज्यादा चौहान की चमचागिरी मत करो, ये एसपीयू का केस है ना, आई एम इन चार्ज नाउ, फॉलो मी। ओके सर, सारे पेपर्स रेडी हैं सर, आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, प्लीज साइन। मात्रे सर, क्या मतलब कि अभी तक कुछ पता नहीं चला? अरे तुम लोग ड्यूटी कर रहे हो या सो रहे हो? वायरलेस बीट ऑफिस और चेक नाकों को अलर्ट कर दो, रेड अलर्ट चाहिए मुझको, रेड अलर्ट समझे? अबे थकेले कितने पैसे मिले? क्या कहा? धनराज को भगाने के लिए कितने पैसे मिले? ज्यादा उछलो मत चौहान, जितनी तेरी उम्र है ना उतना इस डिपार्टमेंट में तजुर्बा है मेरा, समझे? तजुर्बे से नहीं मिलती, यहाँ भी कुछ होना चाहिए, समझे? मेरे साथ उल्टी बात मत करना। उल्टी खोपड़ी में उल्टी बात सीधी असर करती है, आइंदा मेरे काम में उंगली मत करना। अबे चल चल, ये डिपार्टमेंट तेरे बाप का नहीं। अबे है थकेले, उम्र में तो मुझसे बड़े हो और तजुर्बा भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन अकल रत्ती भर नहीं है। चौहान, चेक योरसेल्फ, स्टॉप दिस नॉनसेंस। हमने कहा छोड़ दो से, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? अवस्थी साहब, मैं आपके और इस डिपार्टमेंट के खातिर बस अपने आप को रोक रहा हूँ। ये क्या तमाशा हो रहा है? इस थकेले ने मेरा केस बिगाड़ दिया सर। इसे ऑर्डर्स हमने दिए थे। आपने आपने ऐसा क्यों किया सर? व्हाई? ये केस तो मेरा केस है। आपने सर, अब एसपीयू डिपार्टमेंट इसके ऑर्डर्स पर चलेगा। प्रधान, विल यू शट योर ब्लडी माउथ? जाओ धनराज को ढूंढ कर ले आओ, जाओ आउट। चौहान, चेक इट आउट। धनराज की आजादी से जस्टिस राठौर को खतरा पहुंच सकता है, हमारी तो राय। जस्टिस राठौर की सिक्योरिटी के बारे में मैंने सोच लिया सर, उन्हें अपने परिवार के साथ एक सेफ जगह पर रख दिया जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, धनराज और उसका भाई जाबर उन तक नहीं पहुंच सकेगा। सर ये चौहान कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहा है भाई जी, इसके हाथ पैर अलग करने होंगे। ज्यादा ताव में मत आ छोटे, समय से पहले अगर चौहान की मौत हो गई तो पूरा कार्य चौपट हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं भाई जी, उसका चेहरा सामने आता है तो मेरे दिमाग की नसें फटने लगती है। छोटे हिम्मत से काम ले, मैं हूं ना। बंसी तरह देखो तो क्या हुआ उसे?
हिलने का नहीं। माल वाल निकालो। क्या हो रहा है ये? ए, कौन है बे? पुलिस। आप चलिए सर, आइए। ओके, कम ऑन, मूव मूव, गाड़ी चलाओ जल्दी। हटाओ हटाओ सर। क्यों मार रहे हो उसे? It's okay, I'm an officer. नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब, ये पुलिस वाला नहीं है। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। It's okay, officer. मेरा नाम सागर चौहान है, SPU unit. ए, वही खड़े रहो, वरना शूट कर दूंगा। हिलना नहीं। Don't move. Relax, officer. I said relax. बिल्कुल नहीं हिलना। I said it's okay. मैं कह रहा हूँ हिलना नहीं। देखो, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना। हाँ, अब दिखाओ आई कार्ड। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर, मेरी वजह से वो मुजरिम भाग गया सर। ड्यूटी पर मेरा आज पहला दिन है। तुम सिर्फ एक काम करो, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो और जोन 7 में नाकाबंदी लगवा दो। क्विक, गेट मूविंग। ओके सर। पावड़े। यस सर। क्यों, कैसा लगा ये स्टाइल? याहू स्टाइल, एकदम याहू स्टाइल। अब भी वक्त है, सच सच बताओ। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। सुबह गलाफड़ा तुमने जाबर के कहने पर किया था, राइट? राइट, एकदम राइट सर। सर मुझे नीचे उतार दीजिए सर, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है सर। कितने कोतर इडियट फूल, क्या बकवास कर रहे तू? क्या कर रहे हो पावड़े? दोनों का रिकॉर्ड चेक किया चौहान साहब, छोटे मोटे चोर हैं, सगे भाई भी हैं, एंथनी फर्नांडिस और पीटर फर्नांडिस। 7 बार अरेस्ट हो चुके हैं और ज्यादातर 420 के केसेस हैं इन पर। एंथनी मेरा पेट, छोड़ना मत, रुक के रख। इन्हें पल्टन रोड पुलिस स्टेशन के हवाले कर दो। तावड़े। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर चौहान, वेलकम वेलकम। तबीयत कैसी है आपकी? अरे अभी इतनी जल्दी मौत थोड़ी लिखी है, बहुत मामूली सी खराश आई है। हाँ, नाम तो मेरा लिखा था कोहली पर, लेकिन आपने मुझे बचाकर खरीद लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू। आनंद सर, तुम जाओ जरा। जी सर। वो शूटर पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ा जाएगा, एक दिन सभी पकड़े जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अरे मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया आप दोनों को। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर मेहता, हमारी श्रीमती जी के चाचा, और ये हैं। इन्हें कौन नहीं जानता? ऑफिसर चौहान, मिनल की जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर मेहता? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक्यूट डिप्रेशन, दिमागी कमजोरी। ऐसे लोग बाहर से तो नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन पर दौरा पड़ता है तो एकदम बदल जाते हैं, वैसे जैसे किसी ने बिजली का बटन एकदम बंद कर दिया हो। सोचने समझने की शक्ति पर अंधेरा छा जाता है, सही फैसला नहीं कर पाते। मिनल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है।
कभी कभी तो अपना रूप ऐसे बदल लेती है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर मेहता, मिस्टर सागर का एक रिकॉर्ड है, इनकी देखरेख में आज तक किसी भी वीआईपी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बस इस बात का ख्याल रहे ऑफिसर कि उसे ये पता ना चले कि हम एक दूसरे को जानते हैं या उस पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर साहब। यस सिस्टर। मैडम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, वो मान नहीं रही हैं। उसे वैल्यूम का डोज दिया या नहीं? वो तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन वो इस हालत में भी बाहर जाना चाहती हैं। अगर वो बाहर जाना चाहती है तो आप लोग रोकिए। आप लोग किस लिए हैं? प्लीज गो एंड स्टॉप हर। यस सर। दिस पीपल आर सो यूज़लेस। नेम सब गाड़ी लेके चली गई। तो चाबी क्यों दी तुमने उसे? साहब मैं क्या करता, मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन ढंग से अगर काम करना नहीं आता तो किसी और जगह जाकर काम करो। सर मैं देखता हूँ, आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू ऑफिसर। लगता है जगा दिया आपको मैंने। हमारे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए उतारने पड़े। इस्त्री के लिए भेजा है मैंने। हाँ इस्त्री चालू है। आपने हमें बचाया क्यों? मर जाने दिया होता और आप बार बार हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी बचाने का ठेका ले रखा है मैंने। वैसे एक बात बताइए, अब मरना क्यों चाहती है? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, रूप तंदुरुस्ती दौलत, करोड़ों की मालकिन है आप। 2 साल पहले आपकी शादी हुई थी, उसके ठीक 2 महीने बाद। पुरानी बातें मत दोहराइए प्लीज। आई एम सॉरी। दादी के गुजरने के बाद बड़ी बेमायनी सी जिंदगी हो गई है हमारी। क्या आप अपने पति से खुश नहीं है? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है क्या अपने पति के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है? आप नहीं समझेंगे, हमारी हालत कोई नहीं समझ सकता। आप जानती हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है?
आप सिर्फ एक सुर पकड़कर बैठी है, जबकि गीत सात सुरों से बनता है। सुनिए।
आज बरसों के बाद इस तरह के मेले में आई हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। तुम सही कहते हो, जिंदगी जीने के लिए है, मर मर के जीना फिजूल है। सागर वो देखो, बचपन में ना मैं पिताजी के साथ वैसे झूले में बैठे करती थी। चलो ना हम लोग जाके झूले में बैठेंगे। नहीं नहीं तुम चलो। चलो ना। अरे नहीं नहीं तुम अरे चलो, बहुत मजा आएगा। चलो ना। अरे मीना मीना मेरी साथ चलो ना। प्लीज ट्राई। देखो हमारी बारी आ गई। चलो चलो तुम चलो मीना प्लीज। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। नहीं बैठ सकूंगा मैं। आओ ना प्लीज। क्या हो गया था तुम्हें? मुझे ऐसा लगा जैसे झूला टूटकर निकल गया और हम जमीन पर गिर गए। मुझे ऊंचाई पर बहुत चक्कर आते हैं मीनल, इसलिए मैं झूले में बैठने से इनकार कर रहा था। ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें पता नहीं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बचपन से ही ऊंचाई से डर लगता है मुझे। 6 साल का था तब से डर मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया। पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। मेरे बेटों को छोड़ दे शंकर, नहीं तो गोली चला दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी गलती मत करना वरना मैं तेरे पिल्ले को। नहीं, फेंक दे रिवॉल्वर, फेंक दे। पिस्तौल नीचे कर दीजिए सर, उस पागल का कोई भरोसा नहीं और सागर बाबा की जान खतरे में है। हवलदार ने सही बोला इंस्पेक्टर, मैं भरोसे लायक आदमी नहीं हूँ। साहब आओ साहब। नहीं सागर, सागर सागर, तुमने कभी इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? करवाया था, पिताजी ने लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। कभी कभी एक दूसरे के सितारे मिलने से बिगड़ी हुई बात बन जाती है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जैसे कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोशिशों से तुम ठीक हो जाओ। सागर साहब, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को एक्रोफोबिया कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, एक किस्म का फंक्शनल डिसऑर्डर है। इट्स अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। चाचा जी आप इलाज बताइए। बेटा मैं कुछ ट्रैंकुलाइजर्स और दवाइयां लिख के दे रहा हूँ। मैंने बहुत दवाइयां ली डॉक्टर साहब, लेकिन लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यही ना? हाँ। इस तरह की बीमारी में अक्सर रोगी को दवाइयों के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक की भी जरूरत होती है। काउंसलिंग के दौरान वो पेशेंट को इस बात का एहसास दिलाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ दिमागी कमजोरी है। चाचा जी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनकी काउंसलिंग करें? कोशिश कर सकती हो।
सॉरी। लेकिन डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि काउंसलिंग से फायदा होगा। जरूर, लेकिन हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है। और हाँ एक बात का ख्याल रखना, दोबारा आप जब कभी भी ऊंचाई पे जाएं और आपको चक्कर आए तो आप फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लीजिएगा या फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आंखों के सामने वो नजारा नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। ओके। और थोड़े ही टाइम में आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज से आपका इलाज शुरू, हमारी फीस महंगी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। कुछ वो मेरी सुने, कुछ मैं उसकी सुनूं, कुछ कदम वो चले, कुछ कदम मैं चलूं, ओ, कुछ वो मेरी बने, कुछ मैं उसका बनूं। तेरे मर्द को मालूम है क्या तू यहाँ क्या करती है? चिच्ची। चलो। चलो। बाय। एक बात बताओ, लोगों को लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अंदर आओ ना। नहीं बहुत देर हो गई। मिनल, तुम्हारी दोस्ती को देखकर एक बात याद आ गई। कहो। जिंदगी में दूसरा अच्छा दोस्त मिला है। और पहला कौन है? मिला ही नहीं। बुलाओ तो आऊं तू। बाय। बाय। बुलाओ तो आऊं तू। मादर बगर लाइट बंद कर। तैयार होकर बाहर क्यों बैठे हो भाई साहब? कहाँ चले? हाँ आ गया तू। ये ले तेरे घर की चाबी, मैं चला। आज से नो बुलाओ तो आओ तू। गुड बाय, गुड बाय। चल अंदर, लगता चढ़ गई तेरे को। अरे चढ़ा तो तू है रे। अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं है। मैं जा रहा है अपने मुल्क बहन के पास। जा रहा है। चल 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 अंदर चल, नाटक बंद। अरे नाटक तो तू करता है रे। मेरे से ठीक से बात नहीं करता है, अपनी मनमानी कर रहा है। लेट बुलाओ तो राइट जाता है। उस औरत ने जरूर तेरे को उल्लू खिलाया रे। जरूर उल्लू खिलाया। चक्कर रहा तू उस पे। वो एक शरीफ औरत है। शरीफ औरत है? शरीफ औरत है तो मेरे घर में बदमाशी क्यों करती है वो? लगता है बड़ा सटक गया, सुधरने वाला नहीं है। क्या बोला तू? मैं बोला सुधर जाऊंगा, जैसे तू बोलेगा वैसे ही करूंगा। अभी अंदर चल मेरे बाप। फिर से बोल बाप। मेरे बाप, अंदर चल। बोल दिया तो पहचान लिया ना अपने बाप को। हाँ डार्लिंग चल ना। ठहर 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 ठहर, तू चूना तो नहीं लगा रहा है ना? नहीं डार्लिंग चल ना। देख आज से तेरे को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लेट बोलूंगा तो लेफ्ट जाऊंगा। एक तेरे को नंबर वन ऑफिसर बनने का है। किसी दूसरे औरत के केस में हाथ डालने है? छोड़ दूंगा। चल ना। ए तू बहुत पटापट हाँ बोल रहा है, क्या लफड़ा है? ए, 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 सागर तू मेरी लंबी तो नहीं ले रहा है ना? अरे नहीं बापू। अभी तू लंबा हो जा। चल लंबा लंबा। हाँ चल 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 चल। कल उसके मरद को बोल देना, बोल देना कि केस खत्म खत्म बस। ये मुझे कौन निकालेगा?
ये भी निकाल। और क्या क्या निकालू? ए, पहन क्यों निकाल रहा है? नहीं, नहीं। अरे शरीफ लोग कपड़े पहन कर सोते हैं। अच्छा अब तू सो जा, कल सुबह बात करेंगे ओके? तूने मुझे पटा लिया है? लेकिन ये आखिरी टाइम है, बाद में नहीं। गुड नाइट। ए, ए, सुन ले, सुन 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 यार। सुना ना। सॉरी लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। दिवाली मनानी है ना, फटाके खरीद ले, लेकिन किसी का घर जलाकर दिवाली नहीं मनाई जाती। ए लोगो, आज तूने नशे में बहुत बड़ी बात बोल दी यार। इसलिए तो कहता है तू भी शराब पी ले। अच्छा गुड नाइट, मैं सोता हूँ। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दिवाली मनानी है ना, पटाखे खरीद ले, लेकिन किसी का घर जलाकर दिवाली नहीं मनाई जाती। क्या बात है, आजकल तुम चुपचाप रहते हो, फोन भी नहीं अटेंड करते हो, मिलने नहीं आते। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है? पता है तुम कैसे लगते हो? कैसे? एकदम थकेले। इसी तरह मुस्कुराया करो, बहुत अच्छे लगते हो, एकदम याहूम। कितनी बदल गई हो तुम। पहले जब तुम्हें देखा था तो एक कोरे कैनवस की तरह लग रही थी तुम, बेजान, खामोश। और अब जिंदगी के सारे रंग तुम्हारी आंखों में नजर आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से, इसलिए हम तुम्हें सलाम करते हैं। सॉरी, आज हम बहुत खुश हैं, इतने खुश कि हमारे पैर जमीन पे टिक नहीं रहे, हम आसमान पर उड़ना चाहते हैं, इन मौजों की तरह इस विशाल सागर के हो जाना चाहते हैं। कैसा समा, कैसा सफर, जाने चले हम दोनों किधर। चले हम दोनों किधर, कैसा समा, कैसा सफर, जाने चले हम दोनों किधर। खामोश रहा
जाने चले हम दोनों किधर। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम किसी और की बीवी हो। जिस रिश्ते को हमारी आत्मा कबूल नहीं करती उस रिश्ते को क्यों मानते हो तुम? हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं सागर, और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस मंगलसूत्र को भी त्याग कर सकते हैं। हमने फैसला कर लिया है सागर, आज रात तुम भी फैसला कर लो। मर्द औरत को अपना शिकार समझता है, लेकिन असलियत यह है कि वो खुद औरत का शिकार बन जाता है। बुलाएंगे? लगता है कुछ प्राइवेट काम है। कौन है? वही है, सफेद साड़ी पहन कर आई है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, लगता है उसका भरत मर गया। सागर, क्या फैसला किया है तुमने? मीनल, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले एक पल में नहीं किए जाते, मुझे सोचने के लिए और वक्त चाहिए। हम और इंतजार नहीं कर सकते, दम घुटता है हमारा उस घर में। लेकिन मीना, हर चीज का एक तरीका होता है, ये दुनिया, ये समाज। हमें समाज के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। हम तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारी ब्याहता बनकर। ऐसा नहीं हो सकता मीना। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम हमसे प्यार नहीं करते? क्या क्या हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है मीना। तो फिर क्या बात है? क्या हमसे ज्यादा तुम्हें लोगों की परवाह है? अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों सिखाया हमें जिंदगी का वो सबक
क्यों थामा था हमारा हाथ? सागर, हम एक औरत होकर अपनी इज्जत दांव पे लगाने को तैयार है, तो तुम क्यों पिछड़ रहे हो? तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम हमसे प्यार करते हो? मीनल, मीनल मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दोस्ती, हमें तुम्हारा प्यार चाहिए सागर, तुम्हारी हमदर्दी नहीं। हमें अपने पास रखो सागर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने आप से अलग मत करो सागर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सागर। मीनल, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ बातें नामुमकिन होती है। अगर परिंदा और मछली शादी करना चाहे तो अपना घर कहाँ बसाएंगे? पानी में परिंदा मर जाएगा और पानी के बाहर मछली। मिल गया, मिल गया हमें तुम्हारा जवाब। आज के बाद भूल जाना इस मीनल को, भूल जाना कि कोई दीवानी थी जो तुमसे प्यार करती थी। हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे सागर, कभी नहीं। मीनल, मीनल, रुक जाओ मीनल, मीनल प्लीज रुक जाओ। मीनल मेरी बात तो सुनो, मीनल रुक जाओ। दोबारा आप जब कभी भी ऊंचाई पे जाएं और आपको चक्कर आए तो आप फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लीजिएगा या फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। मरने नहीं दूंगा। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट, ऑफिसर सागर चौहान की गवाही और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलील सुनने के बाद इस कोरोनर कोर्ट के जूरी मेंबर्स
इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर प्रताप राय ने खुदकुशी की है और मेरा भी यही फैसला है। ऑफिसर सागर चौहान मेडिकली अनफिट होने की वजह से मिसेस प्रताप राय को बचाने में नाकामयाब रहे। बहरहाल ये तय है कि ये खुदकुशी का मामला है, इसलिए इसमें और ज़रा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस फैसले के साथ मैं इस केस को क्लोज करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अरे आओ आओ, नंबर वन ऑफिसर। सुना है कॉर्नर्स कोर्ट में भी बड़ी बेइज्जती हुई तुम्हारी, पेपर वालों ने भी तुम्हें हीरो से जीरो बना दिया। बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा किस्सा सुनकर। देखो प्रधान, इस वक्त मैं बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे, बहुत कमजोर हो गए हो तुम। डॉक्टर को बुला दूं? अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना, बैठो। प्रधान, मैंने कहा ना मेरी ऑफिस से निकलो। और उस कुर्सी से हटो। अब ये कैबिन और ये कुर्सी मेरी है ऑफिसर सागर चौहान। एसपीयू यूनिट को अनफिट लोगों की जरूरत नहीं है। अबे थकेले, चलकर बाहर जाओगे क्या? उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा तुम्हें। देखो सागर, बीमार आदमियों को इतनी गर्मी नहीं दिखानी चाहिए। लो ठंडा पानी पी। अबे थकेले। Oh hell, not again. John, what the hell is going on over here? तुम लोग सब खड़े खड़े अपना मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ अपने काम पे जाओ, जाओ। देखिए सर, ये देखिए, ऑफिस के बाहर भी मनमानी और ऑफिस में भी मनमानी। अरे जहाँ जोर दिखाना था वहां तो कुछ कर नहीं सका, घुटने टेक दिए, लड़की को तो बचा नहीं सका, और मुझ पर अपने सीनियर ऑफिसर पर ताकत आजमाता है, ठूस डाला। जॉन, कंट्रोल योरसेल्फ, फॉलो मी। जॉन, तुम्हारी वजह से प्रेस वाले इस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए तुमने ये गैर जिम्मेदारी का काम किया है क्यों? सर मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ और पब्लिक की मदद करना मैं गैर जिम्मेदारी नहीं समझता। तुम्हारे समझने या ना समझने से ये डिपार्टमेंट नहीं चलता है या रूल से चलता है। तुम्हें मालूम है डिपार्टमेंट ने तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी ले लिया, तुम्हें एसपीओ से बदली करवा दिया गया। बदली करवा दिया? यस, अब तुम एसपीओ के एक्टिव फोर्स में नहीं रहे। तुम्हें लापता लोगों को ढूंढने के लिए ट्रांसफर करवा दिया गया। देखो ना सागर, कितना खूबसूरत शादी का जोड़ा है, हम अगर इसे पहनेंगे तो कैसे लगेंगे? एकदम याहू। क्या तुम हमें ऐसे जोड़े में देखना चाहोगे? आ गया औरत का काटा। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? मैंने ऑफिस में फोन किया था, सब पता चल गया मुझे। देखा ना, पराई औरत के चक्कर में पड़ने का नतीजा, नाम से भी गया और काम से भी गया। तो वो मुझे अकेला छोड़ दो। अरे थकेले को अकेला कैसा छोड़ दूंगा? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मैंने तुझे अकेला छोड़ा और देखा ना तेरी क्या हालत हो गई। अब तो मैं तुझे कुत्ते के पट्टे से बांधने वाला हूँ। छोड़ना। अरे यार कहाँ जाता है यार, थोड़ी कंपनी तो दे। बैठ, चल। जो हुआ तो अच्छा हुआ यार। देखो प्लीज, तेरे हाथ में क्या है? अरे अभी तक भूला नहीं तू उसे? उस औरत के लिए अपनी जान दे देगा तू? उसकी जान मेरी वजह से गई। ठीक है यार, गई सो गई, सब ये इसका खेल है, इसका। भूल जा भूल जा। अगर भूलना इतना आसान होता तो दुनिया में कोई भी आदमी दुखी नहीं होता। Oh,
से तो कौन सी खुदाई मांग ली, तो कौन सी खुदाई मांग ली। क्या सुबह सुबह उठक पटक कर रहा है लोबो? सामान बांध रहा हूँ यार, मुलुक से बहन का टेलीग्राम आया है, मैं जा रहा हूँ। तो तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है? औरत नहीं हूँ जो तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मर्द का बच्चा हूँ। तेरा भी सामान बांधा है, तू भी मेरे साथ आ रहा है। कैसे, नौकरी कौन करेगा? ऑफिस में तेरे बीमारी की अर्जी देकर मंजूर करके लाया हूँ मैं। किसने कहा मैं बीमार हूँ? देखो, रात भर सोता नहीं है, खाना नहीं खाता है, चेहरे पर 24 घंटे 12 बजे रहते हैं और कहते हैं किसने कहा मैं बीमार हूँ। औरत रोग लग गया है तुझे, औरत रोग। हवा पानी बदली करेगा ना, ठीक हो जाएगा, चल जल्दी। तू बहुत बोलने लग गया, 61-62 समझा? 16 के बाद सिस्टर को याद आया? हा? अरे याद तो बहुत आता है जेनी, याद तो बहुत आता है। ये हमारा सिस्टर जेनी और ये हमारा बेटा सागर। इसके बारे में हम सब कुछ जानता है, यू नो। तुम्हारे लिए हमारे भाई ने सब घर वालों को भुला दिया, ओनली लेटर पे लेटर लिखता था और हर लेटर में सिर्फ तुम्हारे बातें। जेनी आप उनका बात छोड़, और ये बता हमारा भांजा लोग कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है? उनको पता नहीं कि उनका अंकल लोबो आया है? अरे किते करता एंथनी, पीटर, देखा अंकल लोबो के साथ अंदर कौन है? अबे वही ऑफिसर है। आज तो मम्मी के सामने अब उनका फोन खुल जाएगा। लग गई हुआ। अबे मेरे पेट में दर्द। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। कम हियर, कम इनसाइड। आया मम्मी। डरने का नहीं बिंदास। पहले तू जा। नहीं पहले तू जा। मैं तो चला। अबे तू किधर जा रहा है? आया मम्मी। अरे कहाँ है हमारे भांजे लोग? दे दे, कमिंग। अरे आओ आओ, अभी आया। एंथनी, पीटर। अबे थकेले तुम लोग, ये मुझे मिलने के बजाय सागर के पैरों पर क्यों गिर पड़े? हमारे बच्चे लोग बहुत शरीफ है। सर हम लोगों की इज्जत आपके हाथ में है सर। माँ को कुछ मत बताना सर, वरना बहुत जूते पड़ेंगे साहब, प्लीज। क्या तुम हमारे बच्चे लोग को जानता है? मर गए। हाँ वो क्या है कि हम लोग जब कुएं जा रहे थे ना, तो फ्लाइट मिस हो गई थी। रात को इनके रहने का बंदोबस्त मैंने ही किया।
याद है ना बंदोबस्त? एकदम याहूं था सर, याहूं था। अच्छा, इसलिए इसके पैरों पर गिर पड़े और अपने अंकल को भूल गए। मिलोगे नहीं क्या? अरे क्या नहीं, अरे सॉरी। जो बोला किसी को बताना नहीं है, जाओ जाओ जाओ। ओके जाओ। लोगो, तेरे को एक जरूरी बात बतानी है। पहले ये बता कल रात को तू कहाँ था? तुझे यकीन नहीं होगा आज मैंने क्या देखा। क्या देखा? मैंने मीनल को देखा। तू सच बोला, मुझे यकीन नहीं हुआ। मीनल की तरह ही थी, वही कद वही चेहरा। अब पता चला तू कल रात को कहाँ गया था। अंटी के अड्डे पर दारू पीने गया था ना। मुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तेरा कसूर नहीं है बच्चों, अपने कंट्री की कंट्री जरा स्ट्रांग है, पीने पर जरा कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। एक बाटली और पिएगा ना, तेरे को मैं भी मीनल नजर आएगा। सर, ये आपकी फ्लाइट की टिकट है, संडे की कंफर्मेशन है। थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम सर। एक मिनट में 7 सेकंड होते हैं और मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है। एक मिनट प्लीज। और मेरा पीछा भी मत करना। देखिए मैक्सी। यस मैम। देखिए मैं पीछे नहीं कर, आप में ब्रदर गेट लॉस्ट। परी हूँ मैं, ओ परी, परी हूँ मैं,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। पहले मेरा हाथ छोड़ो। बोलो क्या कहना है। मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। क्यों, सबके सामने कहने में शर्म आती है? मुझे गलत मत समझिए, एक मिनट प्लीज। चलो। मीनल की मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। बहुत प्यार करता था उससे मैं, तो मैं देखा तो उसकी याद आ गई। क्या मीनल बिल्कुल मेरी जैसी थी? हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ उसके बालों का और आंखों का रंग अलग था, भूरी आंखें थी उसकी। बहुत अफसोस हुआ, आई एम सॉरी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, पुलिस वाला हूँ ना। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। इसी शहर में पैदा हुई, पली बड़ी। परिणीता शर्मा मेरा पूरा नाम है, शॉर्ट में लोग परी कहते हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको? एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आए और मेरे साथ खाना खाएं। जी मैं, इनकार मत कीजिए प्लीज। सिर्फ दो दिन और शहर में हूँ, दोबारा आपको तकलीफ नहीं दूंगा, प्लीज। ओके। आज तो तू पिटने वाला है, पता नहीं किसकी औरत के चक्कर में फंसा है। अब किसे खाने पे बुलाए? अरे देखता क्या है, अच्छा हुआ मेरे घर वाले घर में नहीं है, वरना तेरा कचरा हो जाता, कचरा। चुप है, दूंगा एक उल्टा हाथ का। जा टेबल लगा, टेबल लगा ना। लो देखो आ गई। आ गई तो मैं चला, मैंने पीछे का दरवाजा खोल के रखा है। कहो शहजादे। आइए ना, अंदर आइए। ये घूर घूर के क्या देख रहा है? ठरकी नंबर दो है क्या? नहीं नहीं, अब तेरी भी कहानी सुननी पड़ेगी। नहीं नहीं, दरअसल ये भी आपको देखकर धोखा खा गया। ये लोबो है और ये परी है, है ना बिल्कुल मीनल जैसी। हाँ बिल्कुल, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। चलाट, चलो जल्दी से खाना वाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है, रात को अपना प्रोग्राम भी है। अरे वाह, बड़ा अच्छा खाना लग रहा है, मटर पुलाव, इसमें क्या है? चिकन। खाना तो बहुत बढ़िया है, किसने बनाया है? ठरकी नंबर दो ने। तू खड़ा क्यों है, बैठना। अरे बैठ। तुम लोग को लगता है खाने वाने का मूड नहीं है, मुझको देख के अपनी ठरक पूरी कर लो। हाँ अपुन तो खा रहा है। माइंड ब्लोइंग खाना, मजा आ गया। चेस। ओ शहजादे वापस आ जा। सॉरी मैं खो गया था। हाँ हाँ मालूम है, तू भटका हुआ है। अच्छा मैं चली, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जयराम जी की, अब दोबारा मत मिलना ऊपर भी नहीं, समझा? एक मिनट। अरे इसका तो एक मिनट खत्म ही नहीं होता है, बोल क्या है? जाने से पहले एक छोटी सी फरमाइश है, अगर आप मेरी बात मान लेगी तो मुझे खुशी होगी। बोलो। मैं अभी आया। ये कहाँ गया है? मालूम नहीं। एक काम करो, आप इसे संभालो, मैं चली। हाँ नहीं नहीं, सुनो सुनो, बेचारा बहुत दुखी लड़का है, अकेला है, प्यार का मारा है मेरा बेटा। अगर तुम उसकी दिल की बात रख लोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। ये क्या है? ये तो शादी का जोड़ा है। ये मीनल को बहुत पसंद था, उसे इस जोड़े में देखने का सपना है मेरा। मैं चाहता हूँ प्लीज एक बार आप इसे पहनकर मुझे दिखा दीजिए। लेकिन ये तो शादी का जोड़ा है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? मैं नहीं पहनूंगी। आप अगर इसे पहन लेगी
तो मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। प्लीज प्लीज इसकी ये बात मान लीजिए। बाप रे कहां फंस गई मैं। ठीक है थैंक यू। फौजी भाइयों ये ऑल इंडिया रेडियो है, इसके बाद फरमाइशी गीत बंद। आज तो भलाई करने के चक्कर में कलाई हो गई भैया। ऐसा वैसा तो नहीं करेगा ना। मुझ पर भरोसा रखो। तुझको अपनी दुल्हन मैं बना लूं जरा, आ जा घूंघट तेरा मैं उठा लूं जरा, हाँ तुझी से तुझे मैं चुरा तुझे तो समझाना चाहिए था इसे। I'm sorry. हद कर दी तुम लोग ने। लड़कियों को फंसाने का अच्छा ड्रामा बनाया है, पहले कहानी फिर खाना फिर ये शादी का जोड़ा और फिर सुहाग रात। लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ अपनी रखवाली करना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों से ऐसे नहीं ऐसे हाथ जोड़ा करते, खबरदार जो शक्ल दिखाई तो। क्यों दरवाजा बंद कर दिया ना। मुझे पहले से ही तुम दोनों की नियत पे शक था, लेकिन तुम दोनों मुझे अकेला मत समझना, मैं हमेशा अपनी 6 इंची साथ रखती हूँ। चलो दरवाजा खोलो नहीं तो यही लाशें गिरा दूंगी। तुम जो खोल रही हो वो दरवाजा नहीं अलमारी है। दरवाजा उधर है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें होटल तक पहुँचाना मेरी ड्यूटी है। चलो तुमसे बहस करना तो बहुत ढीठ है। पता है मेरा दिल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अब तो खुश है ना, लेकिन अब मेरे पीछे मत पड़ना। सुनो कल मैं जा रहा हूँ, शायद दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय बाय। बुलाओ तो आऊँ। बुलाओ तो आऊँ तो। बुलाओ तो आऊँ तो। बुलाओ तो आऊँ तो। बुलाओ तो आऊँ तो। बुलाओ तो आऊँ। मीनल 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 रुको मीनल मीनल दरवाजा खोलो। मीनल दरवाजा खोलो। अब और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सच सच बताओ क्या राज है, कौन हो तुम? सागर मेरा नाम परी है और तुम परी हो तो मीनल कहाँ है? मैं ही तुम्हारी मीनल हूँ सागर, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, मगर तुम मुझसे नफरत मत करना प्लीज। पहले सच बताओ। पिछले साल जब मैं बंबई घूमने गई, जाबर नाम के आदमी ने मुझे एक नाटक करने के लिए 50 लाख का लालच दिया। हालात से मजबूर होकर मैंने हाँ कर दी। किसी की बीवी बनने का नाटक करना था? हाँ जाबर ने मुझे 15 लाख का एडवांस देकर मिसेस राय बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी, सब कुछ बदल दिया।
एक दिन जाबर ने मुझे मिस्टर राय के घर के बाहर छोड़ दिया। सब घरवाले भी मुझे मिसेज राय ही समझने लगे। अरे मैडम, आप तो अंदर थी, बाहर कब चली गई? चलिए आइए, आइए मैडम, आइए। यहां तक कि मिस्टर प्रताप राय भी मुझे पहचान न सके। शायद इसलिए कि मेरी शक्ल बिल्कुल मिसेस राय जैसी है। लेकिन ये सब नाटक किस लिए? मुझे ये सब नहीं पता। सवाल पूछने से मनाही की गई थी। तुम्हें अपनी तरफ खींचने को कहा गया था, पागलपन करने का नाटक करने को कहा था। यानी वो सब नाटक था, वो गाड़ी का एक्सीडेंट, तुम्हारा डूबना, तुम्हें तैरना भी आता और गाड़ी भी अच्छी तरह चला लेती। हाँ, क्योंकि मैं जाबर के जाल में फंस चुकी थी और तुम्हारे प्यार में। अगर तुम वही मीना लो तो तुम जिंदा किस तरह हो? क्योंकि तब तक जाबर को पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसने आखिरी चाल चली, मेरा तुमसे शादी की बात करना, तुम्हारे घर आना, बिल्डिंग की तरफ भागना, सब प्लान का एक हिस्सा था। जाबर ने मुझे टेरेस पे पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया था, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी। उसी वक्त मैंने अपनी तरह लड़की को आपसे गिरते से देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा हूँ। मैं घबराकर बॉम्बे छोड़कर यहाँ वापस लौट आई। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डरती थी कहीं मैं तुमको खो न बैठूं। मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगी थी। फरेब को प्यार करना मत दो। प्यार? तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, लीव मी अलोन। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। डिपार्टमेंट में मेरा नाम खराब हो गया, मेरी नौकरी चली गई। तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई। तुम एक लालची और झूठी लड़की हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सागर, मुझ पर यकीन करो। दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो, कमान चल दे। मिस्टर राय, शायद इस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं आप। हाँ, यह जाबर का फोटोग्राफ है, हमारी शिपिंग यार्ड का सिक्योरिटी इंचार्ज था। 2 साल पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इनके मैनेजर का खून किया था जाबर ने, और आपके एसपीयू डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर प्रधान ने उसे अरेस्ट भी किया था। बहुत ही टेढ़ा और खतरनाक किस्म का आदमी है वो। लेकिन अब क्या किया है उसने ऑफिसर? इसने एक और कत्ल किया है। कत्ल? किसका? शायद मिसेज राय का। What? लेकिन मीनल ने तो खुदकुशी की थी। 162। अरे कालिया, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? चल, डरती क्यों है, हम लोग हैं ना। मीनल? डॉक्टर मेहता, मीनल जिंदा है? ये क्या उलिया बना रखा तुमने मीनल? बालों को क्यों रंग दिया? मैं मीनल नहीं, परी हूँ। मीनल बेटे, ये क्या कह रही हो? लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। ऑफिसर, ये सब क्या हो रहा है? अगर मेरी बीवी जिंदा है तो मैंने अग्नि किसे दी? और मीनल तुम? मैंने कहा ना, मैं मीनल नहीं हूँ। मिस्टर राय, पिछली बार जो जाबर ने गोली चलाई तो मैं समझता रहा कि वो मुझे निशाना बना रहा, लेकिन असलियत तो कुछ और है। जाबर ने इसे मीनल बनाकर आपके पास भेजा है, लेकिन ये परी है। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है कि मैं अपनी बीवी को नहीं पहचानता? लेंसेस लगा लेने या होलिया बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाते। ये तो मीनल बिटिया है, लगता है इसको फिर से दौरा पड़ गया है। दौरा आपको पड़ा होगा। तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? जी नहीं। लगता है इसकी याददाश्त फिर से चली गई है, मगर ये मीनल ही है। आप लोग क्यों जबरदस्ती मुझे मीनल बनाने पे तुले हुए हैं? मैं परी हूँ, परी। बेटी डरो मत, हम तुम्हें ट्रीटमेंट देके ठीक कर देंगे। सागर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं लोगों के साथ नहीं रहूंगी। सॉरी मिस्टर राय, लेकिन जब तक इस केस की इंक्वायरी खत्म नहीं होती ये मेरी कस्टडी में रहेगी। मगर ऑफिसर, मैं प्लीज मिस्टर राय, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। वेल, एज यू से। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, चलो।
आई एम सॉरी। मेम साहब आप जिंदा हैं? चलो सागर चलो। लोगो देखा वो ड्राइवर इसे देखकर कैसे चौंका? सागर ये मामला हम जितना सीधा समझ रहे थे उतना सीधा है नहीं। मेरे ख्याल से मिस्टर राय को फंसाया जा रहा है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लगता है चौहान साहब फिर से मिसेस राय का केस खोल रहे हैं। हाँ, बड़े साहब से मिलने आए हैं, केस तो रीओपन करके ही रहेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चौहान हमने सारी केस फाइल पढ़ ली है, रिकॉर्ड्स देख लिए हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर ये मरी नहीं तो मौत किसकी हुई, वो लाश किसकी थी? सर वो लाश बहुत बुरी तरह से कुचली हुई थी और फिर किसी ने ज्यादा दान भी नहीं दिया लाश को पहचानने में, मैंने भी नहीं। मुझे तो पूरा यकीन था कि मिसेस राय ने ही आत्महत्या, मेरा मतलब है इसी ने आत्महत्या की है। सर ना ही ये मिसेस राय है ना कभी थी, इसे तो जाबर ने मिसेस राय बनने का नाटक करने को कहा था। तो असली मिसेस राय है कहाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं परी हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इन्हें दिए हुए, फिर भी मुझे क्यों मुजरिम साबित किया जा रहा है? मैंने तो सिर्फ एक नाटक किया था सर। नाटक? यानी फ्रॉड, चीटिंग? सर डिपार्टमेंट ने इसकी नौकरी छीनकर इसके साथ नाइंसाफी की है। जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिल जाते चौहान का कुछ नहीं हो सकता। लोगो तुम इस लड़की के चक्कर में आए कैसे? हो सकता है इसके डॉक्यूमेंट्स झूठे हो या ये जाबर से मिली हो। हो सकता है सर। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों इनके दिमाग में जहर भरना चाहते हैं? मुझे आप लोग झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं? अरे झूठ का पुतला ही और टेढ़ी हड्डी से बनी है। 162 क्या हुआ? सच बोल रहा हूँ। यस सर। इस लड़की को डिटेंशन रूम में बंद कर दो और मस्जिद बंदर वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। सागर, सागर तुम तो मुझ पे भरोसा करो, मैंने तुमको सब कुछ सच बताया सागर। प्लीज मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो प्लीज। छोड़ दो इसे और हथकड़ी रहने दो। यस सर। चौहान चेक योरसेल्फ। सॉरी सर, लेकिन अपनी खोई हुई नौकरी और इज्जत वापस पाने के लिए इस लड़की का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रोहन चेक इट आउट, पुलिस कस्टडी में इस लड़की की बेहतर हिफाजत होगी। जी नहीं सर, मुझसे बेहतर हिफाजत इसकी कोई और नहीं कर सकता। वैसे भी इसे पकड़कर आधा केस तो मैंने समझ लिया, इसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब से ये 24 घंटे मेरे साथ रहेगी। हमारे साथ, मैं भी नजर रखूंगा इस प्रॉब्लम पर। चुप। भाभी जी आप जिंदा हैं? मालिक की जय हो। मेरा नाम परी है। भाभी जी क्या मजाक कर रही हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे भाभी जी कहना बंद करो। शुभ चिंतक को गोपाल पांडे कहते हैं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। अरे मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, इंसान को पहचानना पेशा है मेरा। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं पहली बार आपको 15 जून को मिला था, उस दिन आपकी सालगिरह थी, आपने ब्राउन रंग की साड़ी पहन रखी थी, कुछ याद आया? बस शायद उसी दिन आपसे मुलाकात हुई थी। अरे फिर गलत कह रही हैं आप, हम कई बार मिल चुके हैं। वो मैं नहीं थी, वो असली मिसेस राय थी। देखिए ना सागर भैया, ये क्या माया जाल है, वो तो मिसेस राय कैसे हो सकती है? पूरी बात मैं बाद में समझाता हूँ, ये मिसेस राय नहीं है। ये मिसेस राय नहीं है? अच्छा एक बात बता, तुम मिसेस प्रताप राय को कब से जानते हो? मैं उनको पिछले 5 सालों से जानता हूँ। क्या मिसेस राय की कोई जुड़वा बहन है? नहीं, वो सिर्फ एक लौती बेटी थी। लेकिन ये कौन है? सुनो, मुझे मिसेस राय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके? 24 घंटे के अंदर। डोंट वरी सागर भैया। ओके चलो। सागर क्या अब भी भरोसा नहीं मेरी बात पर? तुम एक झूठी औरत हो, क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो? तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बनाया,
सागर, सागर। अरे ये पांडे को क्या लॉटरी बिटरी लग गई क्या? खोली में रहने वाला बंगले में कैसे आ गया? पहले ये बता काम हो गया कि नहीं? यस, हो गया सर। मेरे खबरी ने जाबर का पता लगा लिया है, वो गोराई की पुरानी बिल्डिंग में छिपा है। वेरी गुड, चलो कम ऑन लेट्स गो। बीजापुर करता हेड। से सुनो, परी को एक मिनट के लिए भी अपनी नजर से दूर मत जाने देना। हाँ, लेकिन हाँ, जानता हूँ कि जाबर के अलावा इस मर्डर में कोई और दूसरा मुजरिम भी है। ओके सर, मरने वाली लड़की का नाम रोजी है, वो बियर बार में काम करती थी और धंधा भी करती थी। ठीक है, तुम बंगले की तलाशी लो प्रॉपरली। ओके सर। सर, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि खूनी की गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं है, नकली है। ओके सर, बोलो मात्र। घर के अंदर जाबर, रोजी और बाहर पड़ी लाश के अलावा किसी और के उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। वेरी गुड, ऐसा करो लाश के पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो और फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए जल्दी भेज दो। ओके सर। चौहान सर, अपने स्टेट क्रिमिनल रिकॉर्ड में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे स्टेट के रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूँ। औरत का काम ही है मर्दों को हार्ट अटैक देना। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा चौहान सर, आपके लिए फोन। हेलो 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 सागर भैया। हाँ गोपाल बोलो, लेकिन तुम इतने घबराए हो क्यों? अभी भी मुझे मिसेज राय के बारे में पता लगा है, वो जिंदा है। कहाँ है वो? उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लड़की तुम्हारे साथ है उसे सारी असलियतों का पता है। मिसेज राय उसी के साथियों के कब्जे में है। लेकिन तुम कहाँ? देखो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, मेरी जान संकट में है। तुम एक घंटे बाद मुझे खाड़ी वाली पुराने मिल में मिलो। वही मैं गोपाल, गोपाल शिट।
162 यहाँ से अंदर बाहर जाने का एक ही रास्ता है। मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग यही ठहरो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं दो फायर करूँगा, तुम लोग सीधे अंदर आना, ओके? हाँ, लेकिन संभाल कर जाना, मेरा उस पांडे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी पे भी भरोसा नहीं। मैं चलता हूँ। सागर, मेरा दिल घबरा रहा है, चलो यहाँ से लौट चले। अरे गोपाल, गोपाल, सागर, सागर मुझे अकेला छोड़ के मत जा, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुपचाप बैठो सागर, जरूरत पड़े तो फायर कर देना। सागर, गोपाल, 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 क्या कर रही हो? वो गोलियां चल रही थी तो घबरा गई। गोली मार दूंगा इसे। है गन फेंक दे, फेंक। है तलाशी ले इसके। अब तुम दोनों को इसी फैक्ट्री में जिंदा गाड़ दूंगा। हाथ नीचे कर। अबे हाथ नीचे कर। अबे हाथ नीचे कर। बता गोपाल कहाँ है? बता। तुम यहाँ? सागर मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सागर मुझे अकेला मत छोड़ो। सागर। गोपाल, तुम? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा गोपाल, सच सच बताओ ये मामला क्या है, ये सारे लोग कौन हैं और मिसेस राय कहाँ है? सागर भैया,
आप बीच में से हट जाओ। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इसने इसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। मैं बहुत आगे निकल आया हूं भैया, भलाई इसी में है कि आप पीछे हट जाओ। मुझे मजबूर मत करो भैया, वरना मैं दोस्ती का खून कर दूंगा। चलाओ गोली गोपाल, कम ऑन शूट मी, कम ऑन भैया। गोपाल मालिक की जय हो। कौन था वो सागर? पता नहीं, शायद वही जिसने जाबर का खून किया है। ये केस उलझता जा रहा है 162। अब तो मेरी बात का यकीन करो, अगर मैं उनके साथ होती तो वो मुझे क्यों मारना चाहते? Shut up. कंट्रोल रूम को फोन करो और गोपाल के घर की तलाश ले। मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो सागर। अरे औरत को बनाने वाला समझ नहीं पाया, हम क्या समझेंगे? ये अपनी आखिरी कड़ी थी सागर। इस केस की पहली और आखिरी कड़ी ये है। अरे तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। घबराओ मत, मरूंगा नहीं, इससे कई बड़ी बड़ी चोट बर्दाश्त की है मैंने। हाँ जी मिस्टर राय, मैं अवस्थी बोल रहा हूँ। अवस्थी साहब, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरी बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मिस्टर राय, ये ऑफिशियल मामला है। जब तक हमें चौहान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मिल जाती और ये साबित नहीं हो जाता है कि वो आपकी पत्नी है, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर इतना ख्याल रहे कि वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाए, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। Don't worry, we'll check it out. Bye. मुबारक हो चौहान साहब, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। आपका मुजरिम हाजिर है। क्या बात है, ना थैंक यू ना शुक्रिया, खुश होने की वजह आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? तुम जानते हो इसे? नहीं, पहली बार देख रही हूँ। लो, लफड़े में बसंती तो थी, अब गब्बर के भी दर्शन हो गए। इसका नाम दुष्यंत सिंह है, सीआरपीएफ का जवान था, इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में भी इसका नाम है। इतना खतरनाक है कि इसके खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी जारी हैं। ऑफिसर चौहान, इस फाइल में आपको दुष्यंत सिंह के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर्सनल और मेडिकल। हमारी रेजिमेंट का सबसे बहादुर जांबाज ऑफिसर था वो, यूं समझिए कि जंग का सामान था वो, किलिंग मशीन, वन ऑफ माई बेस्ट ऑफिसर्स। पर अफसोस, वो हमारे देश की राज दूसरे मुल्क को बेचना चाहता था। अब हिंदुस्तान से फरार हो चुका है वो। चंद साल पहले उसे मिडिल ईस्ट में कहीं देखा गया था, उसके बाद उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास भी और इंटरपोल के पास भी। अब आप कहते हैं कि वो यहाँ पर है? I'm sure, sir. जिस केस की मैं छानबीन कर रहा हूँ उसमें दुष्यंत सिंह का ही हाथ है। कुछ और मदद की जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।
डरा दिया ना शहजादे? तुम्हारे पैरों में पहिए लगे हुए हैं जो तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। सर आप बाहर जाके देखो क्या खूबसूरत चांदनी रात है, और वो औरतों का दुश्मन लोबो भी घर पे नहीं है, सिर्फ परी और उसका शहजादा। ठीक है ठीक है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तुम जाती हो अपने कमरे में या मैं उठूं? उठो ना, चलो जाओ यहाँ से। मेरी माँ कहती थी जो लड़का एक जवान लड़की का दिल दुखाएगा ना उसे भेंगी, लूली, लंगड़ी या तो डाइन जैसी बीवी मिलेगी। अरे क्यों अपनी किस्मत खराब करते हो शहजादे? मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा ना जाती हूँ अपने कमरे में। गॉड क्रेजी। दीवाना
तुम्हें नाटक करने का बहुत शौक होगा, लेकिन मुझे तमाशा देखने का कोई शौक नहीं। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ सागर, सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करती हूँ। ओह फक कह रहे थे। एक भूल के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे सागर। आज अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। जब तक मेरे नाम पर लगा दाग मिट नहीं जाता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सागर, काम हो गया? यस सर। ये रही सारी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए थी, बड़ी मुश्किल से मिली है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कल रात दुष्यंत सिंह ने फिर हमला किया था। क्या? इस बार भी बच के निकल गया, लेकिन मैंने उसके कंधे पर गोली मारी है। अरे जब तक ये पनवती अपने साथ रहेगी ना, तब तक अपने क्या देख रहे हो सागर? ये दुष्यंत सिंह के हाथ पर निशान देख रहे हो तुम? हाँ। वैसे निशान मैंने किसी और के हाथ पर देखा है। किसके हाथ पर? प्रताप राय के हाथ पर। अरे कहाँ प्रताप राय और कहाँ दुष्यंत सिंह? अवस्थी साहब की बात याद है ना, इस बार गलती करेगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, मुंह काला होगा। इस बार गलती नहीं होगी, कंधे पे गोली मारी है मैंने। Which way to go? This side, please. सर मुझे ऐसा लगता है कि यार। मॉर्निंग ऑफिसर। मॉर्निंग मिस्टर राय, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। मैं अचानक यहाँ बुला लिया, सब ठीक तो है? वेरी गुड सर। एंड वेयर इज मिनल? शी इज ऑल राइट, आप इत्मीनान रखिए। बैठिए सर प्लीज। थैंक यू। बैठिए भाई, क्राइम ब्रांच में बुलाया है, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। पुलिस का मामला है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया सर। और फिर मैंने प्राइवेट केसेस लेना बंद कर दिया है। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। आप तो जानते हैं ना, जब से मैंने मिसेज राय के केस को दोबारा खोला, तब से शहर में कई खून हुए हैं, काफी पुलिस एनकाउंटर्स भी हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई तो है शहर में जो ये नहीं चाहता कि मैं मिसेज राय के केस को दोबारा खोलूं। पर आपको किस पर शक है? शक तो है, लेकिन सबूत नहीं, इसलिए आपको यहां बुलाया, शायद आपकी मदद से असलियत तक पहुंच सकूं। मैं आपके साथ हूं ऑफिसर, आपको जो भी मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मिस्टर राय, मैं इस केस में आपको सरकारी गवाह बनाना चाहता हूं। अपनी बीवी को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं ऑफिसर। वेरी गुड। सबसे पहले मुझे आपकी उंगलियों के निशान चाहिए। आई बेग योर पार्डन? मेरी उंगलियों के निशान फॉर व्हाट? हम इज्जतदार लोग हैं ऑफिसर, हमें इस तरह परेशान करने का मतलब क्या है? मैं तो कायदे से बंधा हूं, मुझे भी आप जैसे शरीफ लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाना अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं,
मजबूर हूँ। इंक्वायरी के लिए उंगलियों के निशान तो देने ही पड़ेंगे। ऑफिसर, सेक्शन 3 साहब प्लीज, अगर इन्हें उंगलियों के निशान चाहिए तो चाहिए, कहिए कहाँ निशान लगाऊं? ठहरे मिस्टर राय, हर चीज का एक कायदा होता है। माथुरे प्लीज सिट डाउन। श्योर। थैंक यू प्लीज। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको भी अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे। क्या? आखिर तुम साबित करना क्या चाहते हो? दुष्यंत सिंह और प्रताप राय के फिंगरप्रिंट्स मैच करने का क्या मतलब है? सर, इस दुनिया में दो आदमियों के सेम फिंगरप्रिंट्स हो ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ, तुम अपना काम करो, ओके? सॉरी सर। नहीं जवान, नहीं। तुम भी इस खून खराबे में शामिल हो? नहीं, ये गलत है। फिर क्यों छुप के जासूसी कर रहता है? सर, जब से ये चौहान इस डिपार्टमेंट में आया है, मेरी तरक्की रुक गई है सर, इसलिए मैं इससे जलता हूँ। सर, बड़ी मुश्किल से आपने मुझे इसकी कुर्सी दी थी और मैं नहीं चाहता था कि मुझसे कोई ये कुर्सी छीन ले, इसलिए मैं इसके ऊपर कड़ी नजर रखता था। Oh, you bloody fool idiot, get off the ground! मैंने तुम्हें पहले ही कहा था चौहान, तुम गलती कर रहे हो। सर, मेरे ख्याल से मैं सही रास्ते पे हूँ, प्लीज मूव। ओके सर। सर, ये दुष्यंत सिंह के सर की एक्सरे प्लेट है। ट्रेनिंग के दौरान उसे अपने जबड़े पर चोट लगी थी, ऑपरेशन करवा के उसने स्टील प्लेट लगवाई। आई सी। डॉक्टर मेहता और दुष्यंत सिंह के एक्सरे प्लेट्स। सर, ऑब्जर्व कीजिए, डॉक्टर मेहता और दुष्यंत सिंह में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन प्रताप राय और दुष्यंत सिंह के सर की प्लेट में काफी सिमिलैरिटी। साइज एब्सोल्युटली सेम सर। आप? But चौहान, don't you think this is not sufficient proof? सर, आप गौर से देखिए, दुष्यंत सिंह के जबड़े पे जो प्लेट है, हूबहू वैसा ही प्लेट प्रताप राय के जबड़े में है। सर, दुष्यंत सिंह ने अपनी उंगलियों के निशान तो बदल दिए, पर इस जबड़े के स्टील प्लेट से मार खा गया। और सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज अगर क्रिमिनल चाहे तो अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आसानी से बदल सकता है। वॉच दिस सर। ओह, यू आर राइट चौहान। सर, इस केस की बाकी बातें प्रताप राय ही बता सकता है। hey, तुम भी कांटेक्ट में रहना। मात्रे, सर, पता लगा मेरे घर की क्या पोजीशन है? अब तक कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। ओके, ओके, डू इट क्विक। हेलो, हाँ, एक मिनट सर, आपका फोन। हेलो, डबो Ah!
चाहिए जॉन के लिए इमीडिएट। सागर, परी इनके कब्जे में है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, बता। मुझे अपने भाई की करोड़ों की जायदाद चाहिए थी और दुष्यंत सिंह को एक नई शक्ल, इसीलिए हम दोनों के बीच एक सौदा हुआ। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके दुष्यंत सिंह को एक नई शक्ल, एक नया नाम प्रताप राय, और फिर उसकी शादी भाई साहब की बेटी मिनल से करा दी। और एक साल बाद दुष्यंत सिंह ने भाई साहब का कत्ल कर दिया और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस तरह सारी प्रॉपर्टी मिनल की हो गई और अब मिनल की मौत जरूरी थी क्योंकि मामला करोड़ों का था। हमने मिनल को घर में कैद कर दिया, उसे नशे के इंजेक्शन देने लगे। और जब गोपाल ने बताया कि तुम्हें ऊंचाई पर चक्कर आते हैं, तो दुष्यंत ने मिनल को मारने का एक अनोखा प्लान बनाया। उसने जाबर और धनराज की मदद से परी को मिनल बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया और तुम्हें इस बात का यकीन दिलाया कि वही मिनल है, वही मिसेज राय है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इतने बड़े क्राइम में एक पुलिस ऑफिसर को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? ताकि इन्हें एक नामचीन ऑफिसर की गवाही मिल जाए, ताकि मर्डर के बाद जब मैं गवाही दूं कि मिस राय ने मेरे सामने आत्महत्या की, तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। गॉड, पता मिसेज राय कहाँ है? उस दिन जब तुम परी को मिसेज राय समझकर बिल्डिंग पर उसके पीछे दौड़ रहे थे, उस वक्त हम मिसेज राय के साथ 10वीं मंजिल पर थे। हमें यकीन था कि तुम 10वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। हमने मिसेज राय को 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, लेकिन तुमने उसे बीच में ही पकड़ लिया। हम घबरा गए, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दिया और साड़ी फट गई। हमारा प्लान फुल प्रूफ था ऑफिसर। गड़बड़ तो सिर्फ ये हुई कि परी सचमुच तुमसे इश्क कर बैठी, और सबसे बड़ी गलती ये कि वो जाबर के हाथों से जिंदा बच निकली। लेकिन अब वो बच नहीं सकती, अब कोई नहीं बच सकता। डॉक्टर, मिसेज राय को तो मैं बचा नहीं सका, लेकिन परी को मैं मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है दुष्यंत सिंह। परी कहाँ है? पिस्तौल नीचे फेंको, वरना तुम्हारी परी को परी स्थान पहुंचा दूंगा। दूर फेंको पिस्तौल। Oh!
मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं ऑफिसर कि बगैर तैयारी के तुम्हारे सामने आ जाऊं। उस रात को भी तुम्हारी गोली मेरे कंधे पर लगी थी, मगर इस जैकेट की वजह से बच गया मैं। चलो ऊपर लो बंसई। ऑफिसर, पिछली बार इसी लड़की को सामने करके तुझे फंसाया था, आज इसी के चक्कर में तुम्हारी जान भी जाएगी। आज मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। परी, चलो चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। मुझे बस इतना बता दो कि तुमने मुझे माफ किया। परी, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जीना होगा परी, मेरे लिए तुम मर नहीं सकती। बुलाओ तो